थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि थानेसर नगर परिषद क्षेत्र से बाहर की 25 कॉलोनियों को राज्य सरकार ने नियमित करने का तोहफा दिया है। अब इन कॉलोनियों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। ये सभी कॉलोनियां पालिका क्षेत्र से बाहर बनी हुई हैं। इन अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार ने मापदंडों में कुछ छूट दी है। अहम पहलू ये है कि कुरुक्षेत्र की शेष कॉलोनियों को भी सरकार की तरफ से कुछ औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नियमित किया जाएगा। जानकारी देने मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का क्षेत्रवासियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज क्षेत्र के अंदर बड़ी खुशी की लहर है कि किस प्रकार से 25 कॉलोनियों को आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आज उनको कॉलोनियों को अप्रूव किया और बड़ा लंबा प्रोसीजर चल रहा है। लगभग हमारे क्षेत्र से भी 100 से ऊपर कॉलोनियाँ जो है गई हुई है, जिसकी जिनके डॉक्यूमेंट पूरे हो गए उनमें से 25 हो गई है। लगातार अगले में 35 कॉलोनियाँ का और भी हमारे गए हुए उनसे अप्रूव होंगी। इस प्रकार से जनता को उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और पूरे प्रदेश के अंदर 2300 कॉलोनियाँ अप्रूव होनी है, जिसके तहत मैं कहूँगा अभी तक 1135 कॉलोनियाँ जो है अभी सरकार ने अप्रूव कर दी है। ये बहुत बड़ा डिसीजन प्रदेश मुख्यमंत्री ने लिया है। इसके अंदर 500 करोड़ रुपये का इनकी डेवलपमेंट के लिए भी प्रोसीजर रखा गया है।